हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जो कि आई है HSSC की तरफ से, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। और ये एक पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है जिसमें बम्पर भर्तियां यहां पर निकाली गई हैं, जो कि हरियाणा वालों के लिए तो खुशखबरी है ही, और उनके अलावा जो अदर स्टेट के लोग हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसका जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो कल हुआ है, यानी कि 30 दिसंबर को। और आप लोग जो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं वो आप 11 जनवरी 2021 से इसका ऑनलाइन फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी यानी कि पूरा पूरा एक महीना आपको समय मिलेगा जिसमें आप लोग इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर आपको इसमें बताऊँ तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई हुई है तो वो इतनी अच्छी है क्योंकि यहाँ जो पोस्ट है, एक तो वो ग्रुप सी की पोस्ट है जो कांस्टेबल की आई हुई है, और उसके बाद जो यहाँ वैकेंसी, वो टोटल 7298 पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा अभी MP पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी अभी हाल ही में आई हुई है जिसमें करीब सिर्फ 4000 पोस्ट ही आए हुए हैं, और यहाँ सोचिए 7298 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा मौका है। तो ये 10 फरवरी तक आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अगर इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाऊं तो देखिए कैसी है। देखिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा की जो वैकेंसी आई हुई है इसमें जो 5500 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि जनरल ड्यूटी आपकी होगी, और यहाँ जनरल की 1980 है, SC की 990, तो ये कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो 1100 पोस्ट हैं वो है आपकी फ़ीमेल के लिए, जनरल ड्यूटी में जितनी भी फीमेल है वो इन पदों पर भर सकती हैं। उसके बाद फिर जो है तो वो 698 पोस्ट जो हैं वो फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं, वो HAP दुर्गा वन कुछ होता है वहाँ का, तो उसके लिए यहाँ पर 698 पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसको मिलाएं तो 7298 पदों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अब अगर हम लोग देखें कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो ये तो आप लोग इसमें और खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है तो यहाँ क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। अगर आप 12वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, एजुकेशन बोर्ड से, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसके इक्विवेलेंट हैं, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 12वीं के समकक्ष ही कोई कोर्स कर लेते हैं 10वीं के बाद से, तो वो लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में आप 10वीं जब आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आपके सब्जेक्ट में हिंदी या फिर संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट आपके 10वीं के कक्षा में होना चाहिए, जो कि जनरली होता ही है हमारे यहाँ, जो भी लोग 10वीं पढ़ते हैं संस्कृत या फिर हिंदी उनके सब्जेक्ट में एक तो होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं आप लोग को दिखाऊं कि इसमें जो आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा वो सब क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट यहाँ मांगा गया है, तो देखिए यहाँ जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो कि है जनरल कैटेगरी के लिए, और 83 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट मांगी गई है, और 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, यानी 87 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए आपकी। उसके बाद जो 168 सेंटीमीटर जो है वो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि OBC, SC और ST को 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और 81 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट चाहिए, फुलाने के साथ 85 होनी चाहिए। उसके बाद जो फीमेल हैं उनके लिए यहाँ पर 158 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, चेस्ट यहाँ नहीं होता है, और उसके बाद जितने भी रिजर्व कैटेगरी OBC, SC, ST हैं उनके लिए 156 यहाँ पर सेंटीमीटर की आपकी यहाँ हाइट चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कोई चीज़ तो ये सब जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद एज जो आपकी होनी चाहिए तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल, जिनकी एज लिमिट 18 से 25 के बीच है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 दिसंबर 2020 से, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इसमें आपकी सैलरी क्या हो सकती है, यानी कि इसका पे स्केल क्या है, तो देखिए इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 21,700 रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि आपकी हो सकती है 69,100 रुपये तक, जो कि लेवल 3 के अंतर्गत इसकी सैलरी आती है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ भी आप लोग फिर से खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा फीस भी नहीं रखी गई है। तो देखिए यहाँ जो
जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ 100 रुपये की फ़ीस है, और जो हरियाणा के बाहर की फ़ीमेल है यानी कि अदर स्टेट की जो फ़ीमेल भरेंगी उनके लिए भी यहाँ 100 रुपये की फ़ीस रहेगी। हरियाणा की जो फ़ीमेल कैंडिडेट भरेंगी उनके लिए 50 रुपये की फ़ीस है, और हरियाणा के ही जो SC EWS और OBC कैटेगरी ST कैटेगरी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए मेल के लिए 25 रुपये की फ़ीस रहेगी, फ़ीमेल के लिए 13 रुपये की फ़ीस रहेगी, और एक्स सर्विसमैन अगर कोई अप्लाई करता है तो कोई भी फ़ीस नहीं होने वाली। तो फ़ीस यहाँ ज़्यादा नहीं है तो आप लोग इसे अप्लाई भी कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका जो आपका क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस का नॉलेज टेस्ट का, तो वो कैसे रहने वाला, तो देखिए नॉलेज टेस्ट में आपको 80% वेटेज आपका रहेगा सिलेक्शन पर। तो देखिए यहाँ आपका जो है तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव, और ये जो है तो ये 100 में से होगा यानी कि ये जो काउंट होगा यानी कि जब इसकी मेरिट बनेगी तो 100 में से ही बनेगी, और 0.80 मार्क्स का यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको समय यहाँ पर मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, और यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम आपको दिखाएं कि इसमें सिलेबस क्या है, तो देखिए यहाँ जनरल स्टडी आएगी, जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और अदर भी रिलेवेंट जो फील्ड हैं ट्रेड हैं उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ यहाँ 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर नॉलेज के भी देखने को मिल सकते हैं, और बाकी ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 12th लेवल के ही होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब अगर हम लोग दिखाएं इसमें कि किस प्रकार से यहाँ होगा, तो देखिए कैंडिडेट को जो PhD के लिए बुलाया जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद, तो वो 7 टाइम यानी वैकेंसी के 7 टाइम्स लोगों को यहाँ पर PhD के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि करीब करीब मान लीजिए अप्रॉक्स अगर 7,000 ये वैकेंसी है तो करीब 49,000 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा कि यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो जो आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा यानी कि आपका जो भाग दौड़ होने वाली है, तो मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 12 मिनट में क्वालिफाई करना है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 6 मिनट में क्वालिफाई करना है, एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में क्वालिफाई आपको करना होगा। तो इस प्रकार का ये PET का इनका होने वाला है प्रोसेस, और इसके बाद जो है तो 80% वेटेज के बाद 10% जो एडिशनल क्वालिफिकेशन का वेटेज होगा वो आपका यहाँ पर यही सब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इन सब का होगा, या फिर जिसमें NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसमें कुछ आपको यहाँ बेनिफिट हो जाएंगे। बाकी के जो 10% वेटेज हैं वो कुछ ऐसी मिसलेनियस चीज़ों को मिलाकर आपके रहेंगे, यानी 100% में से आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कब का है, यानी एग्ज़ाम कब होना है और कैसे होना है। तो देखिए एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन CVT भी हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड, और या फिर OMR बेस्ड भी हो सकता है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है इनकी वो है 27 मार्च और 28 मार्च, इन दो डेट में आपका यहाँ इनका एग्ज़ाम हो जाने वाला है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर दिखाएं कुछ और चीज़ें, तो दोस्तों जब आप यहाँ एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो वगैरह क्या चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से ही फॉर्म फिल करिएगा किसी भी प्रकार की, जिससे गलती ना हो। तो यहाँ पूरा नोटिफिकेशन मैंने आप लोग के सामने दिखा दिया है और सारी जानकारी यहाँ पर बता दी है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, और ज़्यादातर लोग एलिजिबल रहेंगे ही क्योंकि सिर्फ 12वीं पास ही मांगा गया है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी 7,298 आई है, बहुत ही अच्छा पद है, तो अदर स्टेट के लोग भी इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।